हेलो गाइस, आज हम बनाना सीखेंगे लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो पैजामी टॉप और टोपा है, कैप है। इसको हम बहुत अच्छे से बनाना सीखेंगे। बहुत ठंडी पड़ने लगी है, अपने लड्डू गोपाल को सजा कर रखते हैं, उनको ठंडी ना लगे उड़ा कर रखते हैं, इसलिए उनको हम बड़े प्यार से, अगर कोई काम करते हैं तो हमारे ये लड्डू गोपाल हैं, ये देखो हमारे प्यारे प्यारे, हमने मनमोहन नाम रखा है अपने लड्डू गोपाल का। और ठंड पड़ने लगी है इसलिए हम उसको टोपी और शॉल से ढके हुए हैं, कपड़े भी फुल पहनाए हैं ताकि ठंडी ना लगे मेरे मनमोहन को। मैं अपने मनमोहन को देखकर बहुत प्रसन्न होती हूँ, उनके साथ बीता हुआ समय मालूम ही नहीं पड़ता कितने देर तक बीत गया। ऐसा लगता है जैसे साक्षात मुझसे बोलते हैं, मुझसे बातें करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ड्रेसेस तैयार करती हूँ और तैयार करके उनको पहनाती हूँ। मुझे यह सब करना बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में सोचना, उनसे बातें करना, उनके बारे में कर्म करना, भावनाएं जुड़ती हैं और मन के भाव प्रसन्नता से झूम उठते हैं। इनका नाम आते ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने हाथों से इनके लिए ड्रेस तैयार करती हूँ और सबको पहनाती हूँ। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं मेरे, ये 7 नंबर के हैं। जब से मैं लाई हूँ तब से मैं बहुत प्रसन्न रहने लगी हूँ। मेरे मथुरा वृंदावन के से आए हैं लाला, ये लाला मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। जैसे मानसिक दुख है ही नहीं, दूर हो गया है, इसीलिए मैंने इनका मनमोहन नाम रखा है, क्योंकि जो भी इन्हें देखता है वो प्रसन्न हो जाता है। और इनकी सेवा करना किसको नहीं अच्छी भाती। देखो मैं एक पट्टी बना रही हूँ जिसमें मैंने 30 जंजीरा लिए हैं, 30 जंजीरा में 2 करके मैंने पूरा 30 में एक पट्टी बना ली है। ये देखो आप देख सकते हैं एक पट्टी बन रही है जो मैंने बनाई है। ये देखो मैंने इतनी लंबी पट्टी बना ली है और इसको बुनते चले जाएंगे। एक ये 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया और इसी तरीके से मैं पूरी, जिसको क्रोशिया चलाना आता है उसके लिए बहुत सरल है, 30 जंजीरा से मैंने ये पट्टी बनाई है और इसको इसी तरीके बुनते चले जाएंगे। इनका कलर अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना, ले लेना, आप लगा लेना। अब मैं इसमें गांठ बांध दूंगी क्योंकि एक ही लाइन बनानी पड़ती है और धागा काट लेते हैं इसको। अब हम बीच से फोल्ड करेंगे इसका, फोल्ड करने के बाद हम उसकी आस्तीन बनाने के लिए यहाँ बीनेंगे, यहाँ बीन रहे हैं और बीन करके आस्तीन बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके मैं इसमें फंदा डालूंगी और फंदा उठा करके मैं आस्तीन बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। अब मैं फंदा गिन के इसमें बना रही हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं पट्टी बना रही हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लगता है गाइस, लेकिन जब हम अपने बुने हुए कपड़े पहनाते हैं तो एक अलग सी फीलिंग होती है, बहुत खुशी मिलती है।
एक बार किरोसिन ने खाया, दो बार ना खाया। इसी तरीके हम दो क्रोशिया, डबल क्रोशिया लेते हैं और डबल क्रोशिया करके हम यहाँ से बीन लेते हैं। जब ये ड्रेस बनकर तैयार होती है तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक और बनाई है, ये देखो मैंने आज तीन बना ली हैं। अब इनको इसे फोल्ड करके हम, ये देखो मैंने पट्टी पहले बनाई थी, अब उधर से ये जो बड़ा कर लिया है ये आस्तीन है। मैंने दोनों पट्टियाँ बना ली हैं, बना के देखो आप देख सकते हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने से इसकी चोली बन जाती है। ये देखो मेरे कान्हा की कितनी प्यारी, कितनी सुंदर चोली बनेगी। इसमें नीचे थोड़ा सा घेर बनाना है, पहले हम सिलेंगे इसको, यहाँ तक सिल लेंगे और पीछे का सिरा खुला रखेंगे और किनारे किनारे भी सिलेंगे। पहले हम बीच का जोड़ देते हैं। आप किरोसिया से जोड़ लीजिए या सुई से जोड़ लीजिए, जिससे आपको सही लगे, सरल लगे, वही आप कीजिए। हम तो किरोसिया से जोड़ रहे हैं और किनारे किनारे सुई से सिल देंगे। ये देखो कैसे किरोसिया से हम जोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है जोड़ने के बाद। ऐसे पूरा यहाँ तक जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखो जुड़ गई है। जुड़ने के बाद आप देख रहे हैं हमने इतनी जोड़ रखी है। अब यहाँ से हमको किनारे किनारे सिलना है। ये भी सिल लेंगे, इधर भी सिलेंगे। इसे हम सुई से सिलेंगे। सुई में धागा डाल लेते हैं। धागा डाल के इसको दिखाते हैं। देखो इधर किनारे किनारे हम इस तरीके घुमा घुमा के सिलेंगे। अगर हम घुमाते जाएंगे धागा तो ऊपर से दो धागा निकले हैं ये हमने कैंची से काट दिए हैं, वो भी दब जाएंगे और निकलेंगे नहीं। इधर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर आप देख सकती हैं इसे घुमाते चले जाएंगे। ऐसे ही पूरा सिल लेते हैं। धीरे धीरे करके एक इधर जंजीरा एक उधर जंजीरा ले लेते हैं और लेकर बीच से डालते हैं। दोनों साइड से सिल लेते हैं। सिलने से इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और ज्यादा दबता भी नहीं है। देखो हमने दोनों तरफ सिल लिया है, सिल के हम दिखा रहे हैं। ये देखो दोनों तरफ सिल लिया है और हम अभी इसको ऐसे ही रखेंगे। अब बनाएंगे हम ऐसे ही पूरे में फंदा डाल के नीचे की झालर बनाएंगे। बहुत अच्छी सिताब बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं ये मैंने जंजीरा जंजीरा करके पूरा कर लिया है और अब मैं उसमें कंगूरा चार चार क्रोशिया के कंगूरा ले रही हूँ। एक एक जंजीरा लेकर बीच में गैप कर देती हूँ और मैं बना रही हूँ। बहुत सुंदर सी ड्रेस लगती है जब बन के तैयार होती है। चार चार ये देखो चार क्रोशिया हैं जो एक जंजीरा हम लेते हैं। जंजीरा लेकर के फिर मैं चार गिनकर चौथे क्रोशिया में, चौथे जंजीरा में ही हम डालेंगे और चार बार लेंगे। यहाँ चार बार हम लेंगे और चौथे जंजीरा में ही डालेंगे। अब ये देखो मैंने ये डबल क्रोशिया चार बार यहाँ लिया और फिर एक जंजीरा लेंगे और जंजीरा लेकर के हम चार जंजीरा गिनेंगे उधर नीचे से और मैं पूरा तैयार करूंगी।
अब इसी तरीके मैं दूसरा फूल नीचे के बॉर्डर तैयार करूंगी। उसी तरीके से इसमें मैं बीच में जो गैप दिया था उसी के बीच में हमने ले लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनकर इसकी टॉप तैयार हुई है। अब हम इसका पैजामे बनाने जा रहे हैं। आप नाप के ले लीजिए, जितना भी आपकी कमर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। हमारे लड्डू गोपाल को है, मैंने पूरा 21-21 का लिया है, 30-30 का लिया है, मैंने 30 इसमें भी डाले हैं और डाल के इसको पूरा किया है। ये देखो 20 से छोड़ के मैंने इतना आधा आधा करके ले लिया है। अभी इधर इधर करके मैं सिल लूंगी। देखो सिलने के बाद इस तरीके आती है। ये सिलने बिनने के बाद इस तरीके की ड्रेस होती है और जब पहनाते हैं अपने मनमोहन को तो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर लगती है। जब मैं बाल लगा के उनको सजाते हैं।